बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली प्लेइंग कार्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी एजुकेशन फील्ड में, खासकर इसका यूज़ हम लोग प्रोबेबिलिटी में करते हैं और डे टू डे लाइफ में सट्टेबाज लोग इसको गैम्बलिंग में यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में इसको यूज़ करने के लिए हम लोग इसके बारे में सीख लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। ये टोटल कार्ड्स की बात करें तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जैसा कि इस फ्लो चार्ट में हमने दिखाया भी है। डेक ऑफ कार्ड्स, ये आपके 52 कार्ड्स हैं। ओके, येलो कलर से हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब ये जो कार्ड्स हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। रेड को हमने ये शेडेड पोर्शन में दिखा दिया और ब्लैक कलर। ओके, तो 52 कार्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो रेड आपके 26 होंगे और ब्लैक भी आपके 26 हो जाएंगे। तो कलर के बेसिस पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ प्लेइंग कार्ड्स में देखें तो रेड कलर के जो कार्ड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रेड कलर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जनरली हर्ट और डायमंड में। ओके, हर्ट और डायमंड। और जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं उनको क्लब और स्पेड में, मींस ओवरऑल हम देखें तो चार सूट होते हैं कार्ड्स में, ठीक है। दो रेड कलर के होते हैं और दो ब्लैक कलर के होते हैं। तो वो जो फोर सूट्स हैं वो है आपके क्लब, डायमंड, हर्ट, स्पेड। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग हर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर्ट में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ किंग, क्वीन, जैक, तो देखिए ये कार्ड्स आपके, ये हर्ट के कार्ड्स हैं ये वाले। इसमें सबसे लास्ट वाला कार्ड ये किंग का है, देन ये क्वीन है, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट जैक है, फिर 10 है, देन 9, देन 8, देन 7, देन 8, 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन एस। ए को हम लोग बोलते हैं एस। देयर आर 13 हर्ट कार्ड्स। ओके, चलिए अभी हम लोग डायमंड कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायमंड में सबसे पहला ये कार्ड एस है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, देन जैक, क्वीन और किंग। जैक उसको कहते हैं जिसके ऊपर जे लिखा होता है, किंग उसे कहते हैं, क्वीन उसे कहते हैं जिसके ऊपर क्यू लिखा है, और किंग उसे कहेंगे जिसके ऊपर के लिखा हुआ है। ओके, चलिए हम लोग क्लब वाले कार्ड्स की बात करते हैं। क्लब वाले, क्लब पे ये सिंबल होगा आपका, ये क्लब है एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग। ओके, देन लास्ट में हम लोग स्पेड के बारे में देख लेते हैं। तो ये लास्ट वाली रो आपकी स्पेड की है, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग। ओके, तो हर सूट में देखें तो 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखें तो 52 कार्ड्स टोटल हो गए, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेड और ब्लैक। रेड भी 26, ब्लैक भी 26, फिर इन कलर, रेड कलर को टू सूट में डिवाइड कर दिया हर्ट और डायमंड, ब्लैक को भी दो सूट में डिवाइड कर दिया क्लब और स्पेड, और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, फर्स्ट आपका जो सूट है वो स्पेड है, इसमें आप काउंट करके देखिए 13 कार्ड्स हैं। सेकेंड आपका ये हर्ट है, इसमें भी 13 है। थर्ड आपका डायमंड है, इसमें भी 13 है। फोर्थ आपका क्लब है, इसमें भी 13 है। ओके, तो फोर सूट्स हो गए 13 के। ओके, तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, रेड कलर और ब्लैक कलर। ओके, और रेड कलर को भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो सूट में, एक आपका हर्ट और एक आपका डायमंड। ब्लैक कलर को भी दो सूट में डिवाइड कर दिया है, क्लब और स्पेड।
ओके, तो रेड कलर के आपके 26 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं, हर्ट के 13 हैं, डायमंड के भी 13 हैं, क्लब के भी 13 और स्पेड के भी 13 हैं। तो यहाँ पर ये फिगर में भी दिख रहा है, हमने एक फ्लो डायग्राम अलग से बना करके दिखा दिया इसका। जनरली यहाँ पर ये अच्छे से दिख रहा होगा कि डायमंड का सिंबल क्या है, हर्ट का सिंबल, स्पेड का और क्लब का। जनरली क्लब को हिंदी में बोलते हैं छिड़ी, स्पेड को बोलते हैं हुकुम, हर्ट को बोलते हैं पान और डायमंड को बोलते हैं ईंट का पत्ता। ओके, अब देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जो सूट मार्क्स यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अपनी इंडिया में हम लोग इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करते हैं और इंग्लिश और फ्रांस, मतलब ब्रिटेन वगैरह और फ्रांस में ये जो फर्स्ट कॉलम है इस तरीके के सूट यूज़ होते हैं। अब देखिए ये फ्रेंच और इंग्लिश वाले के लिए, अब देखिए जर्मन में कुछ इस तरीके से यूज़ होते हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। स्विस में ये, स्पेनिश में ये और इटालियन में ये, ठीक है। तो ये कुछ सूट मार्क्स हैं, बट हमें इनसे कोई ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, हमें अपने इंग्लिश सिस्टम वाले सूट मार्क्स आने चाहिए। ओके, हर एक सूट मार्क के आगे उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ फेस कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनरली कहते हैं जो फेस कार्ड्स होते हैं वो जैक, क्वीन और किंग होते हैं। ओके, तो अब बहुत ध्यान से देखिए अपने पास कितने फेस कार्ड्स हो गए। देखिए एक जैक आपका डायमंड का होगा, एक हर्ट का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। इतने तो ये जैक हो गए, तो जैक अपने पास कितने आ गए, 4। अच्छा क्वीन की बात करें तो एक डायमंड, एक हर्ट, एक स्पेड और एक क्लब। और किंग की बात करें तो एक डायमंड, हर्ट, स्पेड, क्लब। तो आप टोटल इनकी काउंटिंग करोगे तो आपके पास ये टोटल आपके पास 12 कार्ड्स निकल के आ जाएंगे। तो जो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं वो 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिनमें जैक, क्वीन और किंग होते हैं। चलिए अभी कुछ और कार्ड्स हैं, जैसे ऑनर कार्ड की बात की जाए तो ऑनर कार्ड्स आपके एस, किंग, क्वीन और जैक होते हैं। ओके, तो एस भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4, जैक भी 4 होते हैं। तो टोटल ये आपके पास 16 कार्ड्स हो जाएंगे। तो जो आपके ओनर कार्ड्स हैं टोटल 16 होंगे, ठीक है। और ओनर कार्ड्स कौन से होते हैं, एस, किंग, क्वीन और जैक। जबकि कुछ स्पॉट कार्ड्स होते हैं, स्पॉट कार्ड्स जैसे मतलब जिनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको नंबर्ड कार्ड भी बोलते हैं। तो आप देखिए इनकी काउंटिंग करके देखें आप इनको, ठीक है। तो आप कॉलम्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर कार्ड होते हैं और हर एक नंबर कार्ड में 4 होंगे। तो 9 × 4 आपके टोटल 36 कार्ड्स हो जाएंगे। आप यदि स्पॉट कार्ड्स और ऑनर कार्ड को ऐड कर दें तो ये आपके 52 कार्ड्स हो जाते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग नेव कार्ड्स की बात कर लेते हैं। KNAVE, नेव कार्ड्स। अब देखिए जो नेव कार्ड्स होते हैं उसमें जनरली आता है जैक, क्वीन और 10। अब देखिए जैक के भी 4 हो गए, किंग के, क्वीन के भी 4 हो गए और 10 के भी 4 हो गए। तो ओवरऑल ये हम लोग देखें तो ये कितने कार्ड्स आ जाएंगे, 12। लेकिन कभी कभी नेव कार्ड्स में केवल जैक और क्वीन को ले लिया जाता है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो वो बता देंगे जो नेव कार्ड्स हैं वो कौन कौन से लिए गए हैं, जैक और क्वीन को लिया गया है या फिर जैक, क्वीन और 10 को लिया गया है। या जैक और क्वीन को लेंगे तो जैक के 4 हो गए, क्वीन के 4 हो गए, तो ये आपके टोटल 8 कार्ड्स हो जाएंगे। और कभी कभी केवल नेव कार्ड्स में केवल जैक को लेते हैं और वो बता देते हैं कि कौन सा कार्ड लेना है, तो उसमें फिर
केवल जैक को लेंगे तो फोर ही कार्ड्स होंगे। देखिए अपने प्लेइंग कार्ड्स में दो तरीके के गेम होते हैं, एक होता है गेम ऑफ ब्रिज। तो गेम ऑफ ब्रिज में क्या होता है, कहते हैं इसमें फोर प्लेयर्स होते हैं। जैसे ये प्लेयर वन, इसको ए नाम दे दिया, ये प्लेयर बी, ये प्लेयर सी और ये प्लेयर डी। फोर प्लेयर्स होते हैं और हर एक प्लेयर को 13 कार्ड्स मिल जाते हैं। मीन्स ए को भी 13 कार्ड मिल जाएंगे, बी को भी 13, सी को भी 13 कार्ड्स और डी को भी 13। ये इंडिविजुअल खेलते हैं और इनमें क्या होता है कि इनको, ये एक तरीके से हिंदी में इसको बोलते हैं लकड़ी का गेम। इसमें इनको बिड लगानी होती कि हम इतने बनाएंगे कार्ड्स, ठीक है, इतने हाथ बना लेंगे, तो इसमें बिड होती। सब लोग इंडिविजुअल खेलते हैं, किसी का कोई साथी इसमें नहीं होता है, इंडिविजुअल गेम होता है। ए अपना अलग खेलेगा, बी अलग, सी अलग, डी अलग, कोई भी टीम इसमें नहीं होती। जबकि बात करें सेकेंड गेम में, गेम ऑफ विस्ट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी फोर प्लेयर्स ही खेलते हैं, जैसे ए बी सी डी। लेकिन इसमें क्या होता है, ए और सी का पेयर होता है, ये एक साथ खेलते हैं, ये एक टीम में होते हैं, और बी और डी का दूसरी टीम होती, मतलब इसमें दो टीम होती हैं, ठीक है। अपोजिट पर्संस जो होते हैं वो एक टीम में होते हैं। तो अपने प्लेइंग कार्ड्स में दो तरीके के गेम हो गए। तो आई थिंक हम लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कशन